पौड़ी जिले की कोटद्वार तहसील में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। कोटद्वार से सतपुले की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 534 भी अवरुद्ध हो गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। उन्होंने सत्तीचौड़, मवाकोट, क्रासिंगगंज, गेवई स्रोत सहित देवी रोड क्षेत्र में प्रभावित परिवारों का हाल जाना। भयंकर बारिश हुई है कोटद्वार में कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि कोटद्वार में जिस तरह का नुकसान हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई हमारे अफसरान करें और जो भी जरूरत यहाँ की है इस समय कोटद्वार की उसको जल्द से जल्द देखते हुए उसको जल्द से जल्द उसका दिक्कत का निवारण करें। वहीं उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। इसको लेकर लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर राहत शिविर बनाए गए हैं। पहली प्राथमिकता सबसे पहले जो हमारे जो वो वैसे एरिया है जहां पर से ह्यूमन हैबिटेट वहां पर जहां पर रह रहा है सबसे पहले हम उसको हम लोग बचाएंगे। उसके बाद सेकेंडली में जो हमारे कृषि वाली लैंड से आ रही है सेकेंडली पॉइंट उसको रख रहे हैं हम लोग और दोनों स्थिति पर काम चल रहा है। लेकिन जितने हिसाब से हम लोग काम करेंगे सबसे पहले जहां पर ह्यूमन है सबसे पहले उसको प्राथमिकता रखेंगे। हाँ, रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहां पर लोगों को रखा गया है जिससे खतरा बढ़ जा रहा है और बरसात का मौसम लगातार रेड अलर्ट आ रहे हैं या जिन लोगों के मकान कुछ वॉशआउट हो गए हैं उन सभी को हमने राहत शिविर में रखा हुआ है और वहां पर उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के खुलने में अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। कोटद्वार और दुकड्डा के बीच 11 स्थानों पर मलबा आने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के अधिशासी अभियंता कुशवंत शर्मा ने बताया कि लगातार 24 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही सड़क मार्ग सुचारू किया जाएगा। जैसा आकलन किया था हमने कल 11.1 थे, आज अभी तक हमने 7 पॉइंट खोल दिए हैं। अब हमारे ये 3 या 4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो आज हमारे खोलने के लिए हम लगे हैं, तो इसमें आज का दिन या कल तक का पूरा लग सकता है। तो एक पोकलैंड हमारी कंटिन्यू चल रही है पर एक शाम तक फिर आ जाएगी, तो हमारी 4 मशीनें और 2 पोकलैंड जब काम करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि ये कल तक या परसों सुबह तक इसको हम खोल दें। जैसा अभी हम देख रहे थे जैसे मशीन वहां पहुंच रही थी तो ऊपर से टूट रहा है और बहुत ज्यादा शूटिंग स्टोन ऊपर से आ रहे हैं, तो ये भी सब देखना पड़ेगा।